हाय व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिस्टेंस कैलकुलेटर जो है वो बनाना आपको सिखाएंगे। अब डिस्टेंस कैलकुलेटर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो सिटीज़ के बीच जो डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करके देगा ऑन द फ्लाई। मतलब जैसे ही आप सिटीज़ टाइप करेंगे वो आपको डिस्टेंस जो है ये आपको कैलकुलेट करके देगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पीसी हो या फिर जो आपका आपके जो पीसी हो या आपका जो मोबाइल हो वो ऑनलाइन होना चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप ये वर्कशीट देख लें तो ये सिंपल सी वर्कशीट है कि फ्रॉम और टू के जिस सिटी तक हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो आप यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह टाइप कर दें। और यहाँ पर ये दो जो नीचे के जो सेल्स हैं जहाँ पर हम सिटीज टाइप करेंगे इस दोनों को हम क्या करेंगे, इसको हम लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक दो सिटीज़ जो है वो टाइप कर लेता हूँ कराची और यहाँ पर लेट्स सपोज लाहौर। तो ये दो सिटीज़ इनके बीच हमें जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों सिटीज़ को हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अगर होम यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर डेटा मेन्यू में आप आएंगे और फिर यहाँ पर ये जो डेटा टाइप्स है इसको आप जियोग्राफी कर दें। अब जैसे आप इसको जियोग्राफी कर देंगे तो इसके साथ ये जो आइकन्स है ये देखें, ये आइकन्स इसके साथ आ जाएंगे और इसको अगर आप क्लिक कर लें तो ये यहाँ पर आपको इस ये जो डेटा टाइप है इससे रिलेटेड बहुत सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको करके देगा। लेकिन हमें सिर्फ इसको डेटा इसका जो जियोग्राफी का डेटा टाइप है इसमें इसको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन यूज़ करेंगे और फिर इसको लैम्डा फंक्शन में रैप करेंगे। तो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पर मैं स्क्रीन को आपको दिखा दूंगा और फिर आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर आप उसको कॉपी कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन जो है वो मैं क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया हुआ है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने इसको कॉपी की, ये वाला फंक्शन है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें एक्सेल में, ये देखें और इसको पेस्ट कर, ये देखें ये वाली कैलकुलेशन है, ये देखें ये, और यहाँ पर ये देखें ये वाली कैलकुलेशन है ये। तो अगर आप इसको यहाँ से टाइप करना चाहें तो यहाँ पर भी आप इसको देख के टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं नेम रेंज में कन्वर्ट कर लूँगा। अब नेम रेंज को मैं हम इस किस ये जो कैलकुलेशन इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप फार्मूला में आए, ये देखें फार्मूला, और फिर नेम मैनेजर में आप आएँ, ये देखें, और यहाँ पर न्यू कर दें आप, और यहाँ पर इसको आप कोई नेम दें कि डिस्टेंस इन डिस्टेंस सिटीज़, कोई भी नेम आप दे सकते हैं जो आपको, और फिर माइल्स, ये डिस्टेंस माइल्स में कैलकुलेट करता है, फिर आप इसको इजीली जो है वो आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखें इजीक्वल आप टाइप कर दें और फिर आप जो कैलकुलेशन मैंने कॉपी की है इसको आप पेस्ट कर दें, फिर आप ओके कर दें। ये देखें यहाँ पर इसने ये फंक्शन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये वही रेफर कर रहा है, मैं अगर इसको थोड़ा, ये देखें ये फुल जो है यहाँ पर भी टाइप्ड है, और फिर आप ओके कर दें और फिर इसके बाद आप क्लोज कर दें। अब ये इसके हम ये चूँकि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कॉपी किया था तो मैं इसको डिलीट करूँगा, और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इजीक्वल टाइप करें और डिस्टेंस, जिस तरह आप दूसरे फंक्शन यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो ये देखें डिस्टेंस सिटीज़ माइल्स में ये आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करके ये देखें, और यहाँ पर फ्रॉम आ रहा है तो फ्रॉम ये C2 सेल में है फ्रॉम, फिर इसके बाद कॉमा, और फिर इसके बाद टू सेल में है तो टू हमारे पास यहाँ पर है, और फिर इसके बाद आप जो ब्रैकेट से वो क्लोज कर लें और फिर इसका आप एंटर कर दें, तो ये देखें इसने डिस्टेंस जो है ये माइल्स में इसने कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको किलोमीटर में अगर आपको चाहिए इन KM तो फिर आप इसको इज इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय, आई थिंक मल्टीप्लाइड बाय 1.6 है, 1.6 फिर आप एंटर कर दें, तो ये देखें ये जो है डिस्टेंस इन माइल्स है और ये डिस्टेंस इन किलोमीटर है। तो गाइस इसका जो कोड है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर इसको मैं थोड़ा इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, ये देखें ये सिटी को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ,
कि ये हमें इंडिया का या लंदन से, ये देखें लंदन, और यहाँ पर दूसरा सिटी अगर मेरे पास है मैनचेस्टर, तो ये देखें ये थोड़े से अपडेट के बाद ये आपको इसका डिस्टेंस भी जो है वो आपको दिखा रहा है। अब अगर मैं इंडिया का कोई सिटी करना चाहूँ, जैसे बेंगलुरु और जो मुंबई है, मुंबई, तो थोड़े से अपडेट के बाद ये यहाँ पर आपको कोई भी दुनिया का कोई भी सिटी है और किसी दूसरी सिटी के, दुनिया की किसी भी दूसरी सिटी के साथ आप उसका डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अगर वीडियो में कोई इशू हो तो उसमें कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।